किसान मजदूर व्यापारियों के लिए संघर्ष करने के लिए मंदसौर नीमच जावरा लोकसभा क्षेत्र से सभी की सहमति से कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। रात दिन जनता की सेवा करना मेरा उद्देश्य है। मैं चुनाव लड़ने नहीं जीतने आया हूं। ये बात कांग्रेस से लोकसभा के प्रत्याशी दिलीप गुर्जर ने गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा झट और झूठ बोलने का काम करती है। सांसद सुधीर गुप्ता ने नीमच के साथ अपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। कई गाँव ऐसे हैं जिसमें विकास का कोई काम नहीं हुआ है। मैं नीमच मंदसौर जावरा सभी क्षेत्र के विकास के लिए समान रूप से काम करूंगा। आम जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहूंगा। सीपीएस पद्धति को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रत्येक अफीम किसान के परिवार को पट्टे दिलाए जाएंगे। दिलीप गुर्जर ने कहा कि कार्यकर्ता हर एक पोलिंग बूथ पर जीतने के लिए काम करे। विकट परिस्थिति में घबराए नहीं, महंगाई से जनता त्रस्त आ चुकी है। दिलीप गुर्जर का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, नरेंद्र नाहटा, संपत स्वरूप जाजू, नंदकिशोर पटेल, अजीत कांठेड़, मधु बंसल, तरुण बाहेती, चंद्रशेखर पालीवाल, मोनू लोक्ष, योगेश प्रजापत, भानु प्रताप सिंह, बाबू सलीम, समंदर पटेल, महेश वीरवाल, विमल शर्मा, गजेंद्र यादव, इस्ता भाचावत, आशा सांभर और बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चित रूप से क्षेत्र की उन्नति विकास जो भेदभाव नीमच जिले के साथ हुआ है उसको हम दूर करने का प्रयास हमारा रहेगा। हर क्षेत्र हमारे लिए एक समान दृष्टिकोण से हम उन्नति विकास कार्य हम करेंगे। सर, बाहरी प्रत्याशी का आरोप है। बाहरी प्रत्याशी क्या होता है ये आप बताइए। मुझे पता नहीं बाहरी प्रत्याशी क्या होता है। भारतीय संविधान में आप लोग अपना लोकसभा चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की लिस्ट उठा के देखेंगे तो कोई भी अपने जन्म स्थान के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ रहा। मेरा क्षेत्र तो काफ़ी उससे लोकसभा लगा और मैं इस क्षेत्र में लगातार 93 से ही लगातार इस क्षेत्र में आ जा रहा हूँ। और हमारा संविधान भी ये देता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे सर गुटबाजी के चलते कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भारी प्रत्याशी का जो सवाल पूछा है तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। कलकत्ता के आदमी स्वतंत्र सिंह कोठारी को 1967 में लेके आए तो जो आरोप लगाए हैं पहले वो अपने गिरफ्तार में झाँक के देखें। और निश्चित रूप से मैंने इस बात को भी उठाया है तो जो जो जा रहे हैं सब नेता लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं जा रहा। आप लोगों ने देखा हो कि कितने कार्यकर्ता गए तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही पार्टी की जान होती है। और कार्यकर्ता को लेकर आप निश्चित रूप से हम किसानों की जो सीपीएस पद्धति है नॉर्डिक्स में ये वो एक तरफ से बाहर करने की बात है, दशहरे पट्टे की बात है और महंगाई के जो हमारे जो 2700 रुपये जो खरीदी की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने वो 2400 रुपये में खरीद रही है। लाडली बहना 3000 की बात कही थी वो अभी तक 1250 दे रहे हैं। और हमारी जो राहुल गांधी जी की न्याय योजना है उनको जमीन तक हम ले जाएंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों को लेकर हमने आम जनता के बीच निश्चित से मीनाक्षी नटराज जी के समय रामगंज मंडी नीमच रेलवे के सर्वे के आदेश हुए थे, 10 साल का नहीं हुआ। रेलवे की बहुत सारी समस्या उसको भी हम करेंगे और जो जो इस क्षेत्र की आवश्यकता है सब सब समस्याओं को लेकर हम एक घोषणा पत्र बनवाने जा रहे हैं। सब घोषणा को हम पूर्ण रूप से हम करेंगे। सेंट्रल से जितनी भी संबंधित योजना होगी उनको हम पूर्ण रूप से हम प्रयास करेंगे कि उसको हम पूर्ण करें। विभिन्न गाँव में नहीं गए, उनकी सांसद निधि का उन्होंने क्या करा, मैंने बहुत से गांव में गया तो बोले कि हमारे सांसद निधि हमारे गांव में उन्होंने दिए तो टैंकर और प्रतीक्षालय दिए, मतलब जो विकास कार्य के मुद्दे हैं ग्रामीण क्षेत्र के उनमें उनकी राशि खर्च नहीं हुई। और बहुत से गाँव में तो आज 10 साल में उनकी राशि तक नहीं पहुँची। सांसद सुधीर गुप्ता के नए मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया आपके मान। अभी हमारे नाटे जी ने सब बातें उनको बताई कि कमलनाथ जी का एक बहुत बड़ा योगदान उस मेडिकल कॉलेज में था। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है परंतु उन्होंने कमलनाथ जी की पहल से ये कॉलेज को चुनाव है, चुनाव में तो सब व्यक्ति अपनी कांग्रेस की योजनाओं को भी अपने नाम से बुनाते हैं तो निश्चित रूप से उस योजना को बुनाने का प्रयास किया है। परंतु ये बात भी मान ले परंतु अन्य कई मुद्दे हैं जो इस बात का धोता कि उन्होंने निमित के साथ भेदभाव किया। कि कई वर्षों से उज्जैन संभाग के पूरे कांग्रेस के नेता हैं और लगातार प्रभारी बन के इन दोनों जिलों में काम कर रहे हैं। भारी तो हमारे वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता जी हैं जो 10 साल होने सांसद देने के बाद भी 80% गांव में आज भी नहीं गए, बाहरी तो वो हैं।